आप सबसे वरिष्ठ ऑप्शन है मनोज, चलिए इकट्ठे कर लेते आप रह गए आओ एक रह गए सब हो जाओ मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी माननीय गेस्टों से झंडा झंडा फ्लैग होगा झंडा दौड़ना होगा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सुधाक जी से गलोत साहब से भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम सुफला सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम वंदे अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा गुरुग्राम आज जो ये प्रोग्राम रखा गया है इसके बारे में कुछ बताइए आज चंद्रशेखर आजाद जी का बलिदान दिवस है तो उस पर पूरा हरियाणा आज वंदे मातरम बोलेगा जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सभी ने जय हिंद बोस बोला था इसी तरह है, आज हमने भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा में आदरणीय ओपी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने ये किया कि पूरे विधानसभा में 90 की 90 विधानसभा में पूरा हरियाणा बोलेगा वंदे मातरम। इस तरह से चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस आज पूरा हरियाणा मना रहा है और आपने देखा होगा किस जोश के साथ हमारी गुरुग्राम की चारों विधानसभाओं में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ओपी धनखड़ जी हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी भाजपापुर विधानसभा में रहने वाले हैं और गुरुग्राम विधानसभा में हमारे गुरुग्राम के विधायक भाई सुधीर सिंगला जी मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं और राष्ट्रीय लेवल से हमारे सावरकर जी भी आए हैं, सारवान जी आए हैं, पार्षद आए हैं, तो सभी हमारे रश्मि क्षेत्रपाल बहन जी भी यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची हैं, यहाँ पर संभाल रहे इसका प्रोग्राम देख रहे हैं संयोजक हैं भाई अतर सिंह सिंधु जी जो इस प्रोग्राम के आज संयोजक हैं चंद्रशेखर आजाद जी के बलिदान दिवस। चंद्रशेखर आजाद जी का आज वो है तो आप आने वाले बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे क्योंकि बच्चों को इस बारे में नहीं पता। हाँ, बच्चों को यही संदेश देना चाहते हैं पहले आप लोग एक ही जयंती मनाई जाती थी लेकिन आज हमारे बच्चों को ये युवा को ये देखना चाहिए कि हम चंद्रशेखर आजाद को याद कर रहे हैं और एक बच्चों को ये संदेश जाना चाहिए कि इनकी जीवनी पढ़ो और उनको लगना चाहिए वो आजाद थे आजाद रहे और आजाद ही चले गए। ये चीज बच्चों को उत्साह जोश पैदा करेगी और आज ये बच्चे अपना टीवी छोड़कर इस तरह के बलिदान दिवसों को याद करेंगे और मेरे देश को याद करेंगे। जिस तरह से मेरे देश के सेनानियों ने अपना बलिदान दिया है आज वो बच्चे भी हमारा इस चीज को देखेंगे यही हमारा लक्ष्य है बच्चों तक ये बात जानी चाहिए। धन्यवाद। मैं महिला मोर्चा में जिला मीडिया सह मीडिया प्रभारी के पद पे नियुक्त हूँ। ओके नेक्स्ट अनुरोध दीजिए। मेरा नाम रेखा सैनी है मुझे भाजपा ने महिला मोर्चा में जिला सचिव का दायित्व सौंपा है। निशा भारद्वाज महिला मोर्चा जिला सचिव। ओके अब